आज तो बड़े जबरदस्त डॉक्टर तशरीफ लाए हुए हैं। एक ही है चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन है, हाथी के पाँव सबका पाँव है। हाथी सर दुबला पतला सा है। पाँव तो औरतों के भारी होते हैं। आपके कहाँ से हो जाने हैं? अच्छा सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। अच्छा तो लेडीज भी हैं माशाल्लाह। आप बकायदा होम्योपैथी क्लास में बैठती हैं? जी। पहले जो लेक्चर्स हुए थे वो सुने किसी ने? जी। हैं? अच्छा ये क्लास इसलिए है कि अगर मौके पर कोई सवाल हो तो आप लोग बेशक जब चाहें हाथ खड़ा करके आवाज़ दे के बीच में सवाल कर सकते हैं, ताकि साथ साथ जो जहन में सवाल उठते रहे उनके जवाब देते हैं। बाहर से तो इतनी सहूलत नहीं होगी सबको कि फौरी फ़ोन करें, बड़ा लंबा झगड़ा है, लेकिन उनकी नुमाइंदगी आप लोग कर देंगे। क्यों डॉक्टर साहब आपने जो पहले लेक्चर थे कोई सुने थे जो इब्तदाई हैं? अच्छा वो ज़रूरी हैं सुनने, उसके बगैर होम्योपैथिक का जो फलसफा है वो समझ नहीं आ सकती, और जब तक वो ना समझ आए खाली दवाएं रटना काफ़ी नहीं है, उसकी मदद से फिर दवाओं का इस्तेमाल होता है। किसी और ने सुने हैं जिसको कोई जहन में सवाल उठता हो तो पूछ लें? जो पहले लेक्चर्स आवाज़ में जो शुरू हुए थे, यानी सबसे पहला लेक्चर जो होम्योपैथिक फलसफे का था और उससे ताल्लुक फिर आगे और बातें शुरू हुई हैं, वो आप में से किसी ने सुना होगा? हैं? फिर क्या कोई सवाल ऐसा है करने वाला उससे मुतल्लिक, या फिर बात आगे बढ़ाएं? जी फरमाइए। क्या नहीं होता महफूज है, खतरनाक नहीं है, ये मुराद है आपकी? हाँ लेकिन बार दफा एक दवाई को दूसरे के साथ मिलाने का जो ये कहते हैं कि ये दुश्मन दवाई है और एक उसका असर जाहिर कर देती है, उसका कैसे पता चल सकता है? उसको पढ़ने से पता चलेगा, तजुर्बे से। असल बात यह है कि दवाई सेफ का जो तसव्वुर है होम्योपैथिक का, ये दुरुस्त नहीं है उन मानों में जिन मानों में आमतौर पर समझते हैं जो मर्जी देते जाओ सब कुछ ठीक ठाक है। ये गलत बात है। अगर किसी दवाई का असर है तो वो गलत हाथों में सेफ नहीं हो सकती। ऐसी बात है जैसे मोटर आजकल कहते हैं बहुत सेफ निकलाई हैं मोटरें, हर किस्म की एहतियाती तदाबीर हैं, मगर ये मतलब तो नहीं कि किसी बेवकूफ़ के सपूत कर दो वो टकरे मारता फिर और कहें मोटर सेफ थी फिर क्यों नुकसान हो गया। सेफ का मतलब यह है अगर उसको सही इस्तेमाल करोगे तो उसके कोई बद असरात जाहिर नहीं होंगे। इन मानों में जब होम्योपैथी को सेफ कहते हैं तो उनके जहन में बाद एलोपैथिक दवाएं हैं जो महफूज हाथों में होते हुए भी नुकसान पहुंचा जाती हैं। मसलन एस्पिरिन की मैंने मिसाल दी थी, जब सर दर्द बढ़ती जाए या किसी और उज़्र में ऐसी तकलीफ हो कि डॉक्टर मजबूर हों एस्पिरिन देने पर, तो जब वो ज़्यादा देते हैं तो जानते हैं कि उसके बद असरात बाज़ म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर, मैदे की झिल्लियों पर भी, गुर्दे की झिल्लियों पर भी, दिल की झिल्लियों पर भी मनफी पड़ते हैं और बढ़ने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि फिर उनके इलाज के लिए भी ज़रूरत पेश आ जाती है। ये मुराद है अनसेफ से होम्योपैथिक इस्तेलाह में, कि खा मुआलिज कितना ही समझदार क्यों ना हो, कितना ही मजमून से वाकिफ क्यों ना हो, वो जब एलोपैथिक दवाएं इस्तेमाल करता है तो उसकी मजबूरी है कि बाद सूरतों में एक मर्ज़ को दूर करते हुए दूसरी मर्ज़ें पैदा कर देता है। होम्योपैथिक में जो सेफ्टी का मेयार है यानी महफूज होने का, उसका बहुत गहरा ताल्लुक डॉक्टर से है, लेकिन डॉक्टर अगर सही तशखीस करता है तो उस दवा से खा वो कितनी भी इस्तेमाल की जाए कोई नुकसान नहीं है। फिर एक और बहुत अहम बात है पोटेंसी का इस्तेमाल।
पोटेंसी का इस्तेमाल और कितनी देर में कोई दवा दोहरानी है। इस सिलसिले में एक बात याद रखें कि होम्योपैथिक प्रूविंग का मतलब ये होता है, प्रूविंग कहते हैं वो तरीक जिससे होम्योपैथिक दवाओं के असरात मुरतब किए गए हैं। ये एक तरीक तो है लंबा तजर्बा, जो इंसानी तजर्बा हज़ारों साल पे फैला पड़ा है, उसमें बाज़ जहरों से इंसान को बारहा वास्ते पड़े हैं और तमाम तिब की कुतुब में या बड़ी कुतुब में उनका जिक्र मिलता है कि इन दवाओं के ये बदअसरात हैं। उनसे होम्योपैथ ने एक उन दवाओं का तारुफ तैयार किया कि ये दवाएं जब खाई जाएं तो उसके ये बदअसरात होते हैं। जहाँ तक मुझे याद है गालिबन सोक्रेटिस को या दिया गया था जहर, कोनियम जहर दिया गया था, क्यों जी डॉक्टर साहब? सुकरात को दिया गया था या बकरात को दिया गया था? सुकरात को, सुकरात को जब जहर दिया गया तो वो बहुत बड़ा हकीम, बहुत बाद लोग मुस्लिम मौत का भी ये ख्याल था कि वो अपने वक्त का नबी था, जिस बाद ऐसी इलामतें उसमें पाई जाती थी। तो उसको जब जहर दिया गया तो उसने मरते वक्त भी बनी नौ इंसान के फायदे का सोचा और जो जो जहर की इलामतें उसके अंदर पैदा हो रही थीं वो मुंह से बोलता जाता था, गिनाता जाता था ताकि उसके शागिर्द नोट करें कि इस जहर के क्या क्या असरात पड़ते हैं। तो वो अगर वो कोनियम था, मुझे तो यही याद है लेकिन दोबारा मैं देख लूँगा, किसी वक्त चेक कर लेंगे। तो उसका मुझे इतना इसलिए कोनियम शक पड़ता है कि जो इलामतें मुझे याद हैं उस जहर की, उस पर उसमें जान टांगों से निकलनी शुरू हुई थी और रफ्ता रफ्ता ये एहसास कि जिस्म मुर्दा होता चला जा रहा है पाँव से शुरू होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हुआ और साथ उसके चक्कर बहुत नुमाया इलामतें थीं। इसमें कोनियम में ये दोनों इलामतें बड़ी नुमाया पाई जाती हैं। तो कुछ तो प्रूविंग इस तरह हो गई कि जो खुद ब खुद होने वाले तारीखी तजारब जो डॉक्टरों को हुए या दूसरों को हुए उन्होंने अपने जिक्रों में किताबों में महफूज कर दिए, उनसे होम्योपैथ ने स्टडी करके हर जहर का एक तारुफ अलग लिख लिया। लेकिन इस तरीक पर बहुत गहरी तफसील से उन दवाओं के बारीक असरात का इलम नहीं हो सकता। हनेमन ने जो होम्योपैथिक के मूजिद हैं उन्होंने एक और बात ये दरियाफ्त की कि वो जहर जो थोड़ी मकदार में भी इंसान को दिए जाएं वो अगर एक दफ़ा देने पर असर अंदाज ना हो तो थोड़ी मकदार में बार बार दिए जाएं तो उनका असर ज़ाहिर हो जाता है। इस इल्म से उन्होंने फिर प्रूविंग का एक नया तरीक़ ईजाद किया। प्रूविंग कहते हैं होम्योपैथिक दवा बनने से पहले बाज़ जहरों को जिनके मतलब मशहूर है कि ख़तरनाक हैं या इस्तेमाल में भी आए हैं लेकिन तफसील मालूम नहीं कि हर उज़्र पर क्या असर पड़ता है, जहन पर क्या असर पड़ता है, उन्होंने उनको होम्योपैथिक तरीक पर डाइल्यूट कर लिया, यानी उसका हल्का बहुत ही कमज़ोर महलूल तैयार कर लिया। पोटेंटाइज करने के बाद अभी छोटी पोटेंसी थी तो उन्होंने अपने ऊपर उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, बार बार खाने लगे। तो एक दफ़ा जब खाया जाए ऐसा जहर तो रद्दअमल दिखाता है और उसके बरक्स जिस्म को तैयार करता है उसके खिलाफ हमले पर। लेकिन हनुमान के मुशाहदे में ये बात आई कि अगर बार बार थोड़े वक्त में से वो चोटें मारी जाएं तो जिस्म उससे कमज़ोर होने के बावजूद उससे मगलूब हो जाता है और उसकी इलामतें जाहिर करता है मगर इतनी ख़तरनाक हद तक नहीं कि जैसे असल जहर बड़ी मकदार में दे दिया गया हो। इसलिए इलामतें मालूम हो जाएंगी लेकिन जिस्म को कोई गहरा ख़तरा नहीं होगा सिवाय इसके कि हद से ज़्यादा कोई आदमी ये काम करता चला जाए। तो इस तरीक पर उन्होंने भी
और उनके शागिर्दों ने भी जो दिन ब दिन उनके साथ बढ़ते चले जा रहे थे कसरत से अपनी कुर्बानी पेश की और बेशुमार जहर ऐसे हैं जो आज होम्योपैथिक किताबों में दवाओं के तौर पर मिलते हैं जो जिनका उनकी कुर्बानियों से ताल्लुक़ है। उन्होंने बहुत ही खफीफ मकदार में उनको बार बार खाया और फिर उनको जहनी तौर पर हनेमन ने तैयार कर दिया था कि किन किन बातों का तुमने ख्याल करना है। मसलन सबसे ज़्यादा अहमियत होम्योपैथिक तशरीस में जहनी इलामतों को दी जाती है और जहनी इलामतों से मुराद ब्रेन की इलामतें नहीं बल्कि रूह के एहसासात जिनके हम रूह के एहसासात कह सकते हैं लेकिन आम उर्फ आम में जहनी इलामतें ही कहते हैं। हनुमान के नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत मरीज की तशखीस में जहनी इलामतों की है। अगर जिस्मानी इलामतें जहनी इलामतों के मुताबिक इस तरह हो जाएं कि किसी एक जहर में वही जहनी इलामतें पैदा हों जो जिस्मानी इलामतें पैदा होती हैं तो फिर बेफिक्र और बेतकल्लुफ होकर आप होम्योपैथिक में वो दवा उसको दें और गैर मामूली तौर पर उसका जल्दी असर पड़ेगा और मुकम्मल शफा एक ही दवा से हो सकती है। अब मैंने एक्विनाइट की शायद बात की थी, एक्विनाइट में मैंने बताया था कि बेचैन खौफ ज़्यादा पाया जाता है और अचानक होने वाला हमला बीमारी का एक्विनाइट से ताल्लुक रखता है। एक्विनाइट का मरीज एक और रामत ये भी दिखाता है कि इसका एक उज़्व बहुत ज़्यादा खून से भर जाता है और बाकी जिस्म ठंडा हो जाता है। मसलन इसके पांव ठंडे होंगे हाथ ठंडे होंगे लेकिन अगर इसको निमोनिया हुआ है तो उस मारूफ हिस्से में जो दायां या बायां जो भी हिस्सा हो उसमें बहुत तेज़ दर्द शुरू होगी और उसमें तपकन पाई जाती है। एक्विनाइट में तपकन कहते हैं दिल की धड़कन के साथ दर्द का बढ़ना या घटना। इसी तरह इसके आसाब में दर्द की लहरें दौड़ती हैं। ये इलामतें एक्विनाइट की हैं मगर जहनी इलामत जो लाजमन इसके साथ होनी चाहिए जिससे हकीकत में एक मरीज़ को हम एक्विनाइट का मरीज़ करार दे सकते हैं वो खौफ है। अगर खौफ नहीं है तो एक्विनाइट नहीं है और इसके अचानक पैन के साथ खौफ का ताल्लुक है। फिर बाज मौसम हैं जिनमें एक्विनाइट ज़्यादा तेज़ी से असर दिखाता है। खुश्क सर्दी का मरीज़ अक्सर जो इलामतें ज़ाहिर करता है अगर वो अचानक पन उसमें पाया जाए और खौफ हो तो एक्विनाइट की चंद डोजें शुरू ही में उसको ख़त्म कर देती हैं बीमारी को। लेकिन एक्विनाइट का लंबी मुज़मिन बीमारियों से ताल्लुक़ नहीं है। ये चीज़ें उन्होंने सिर्फ किताबों में एक्विनाइट का हाल पढ़ कर नहीं मालूम थी बल्कि प्रूविंग के ज़रिए मालूम की। फिर बहुत सी बातें प्रूविंग के ज़रिए उनको पता चला कि एक्विनाइट बाज़ पागलपनों में भी बहुत मुफीद है। हालांकि पहले एक्विनाइट से पागलपन का कोई ताल्लुक मालूम नहीं था। ऐसी रेविंग और एक मरीज़ का बेहोशी में बोलना वो भी एक्विनाइट से ताल्लुक रखता है अगर उसमें खौफ की बातें पाई जाएं। और अचानक दिमाग का बिगड़ जाना जिसका ताल्लुक किसी सदमे से हो, सदमे या अचानक मायूसी के नतीजे में अगर दिमाग पर असर हो जाए और उसमें भी खौफ हो, इंसान भागे चीज़ों से डरे, तो उसमें एक्विनाइट बहुत अच्छा असर दिखाती है। लेकिन अगर एक्विनाइट को फौरन ना दिया जाए और जल्द ना दिया जाए, या फौरन से मुराद है बीमारी के इब्तदाई हिस्से में, तो फिर मर्ज एक्विनाइट से मामूली असर तौर पर असर पजीर होगा लेकिन गहरा असर नहीं कर सकती क्योंकि इसकी प्रूविंग में यह बात दाखिल है कि या तो मरीज को ले डूबेगा एक्विनाइट या छोड़ देगा तो बिल्कुल छोड़ देगा, कोई बेअसर वगैरह आमतौर पर उसका नहीं रहता। लेकिन ऐसी बीमारियां जिनमें सदमे से मसलन पागलपन हुआ है
उसका इब्तदाई हिस्सा एकोनाइट से ताल्लुक रखता है, मगर एकोनाइट में चूंकि मुजमिन होना यानी इसका लंबे अरसे तक जारी रहना शामिल नहीं है, इसलिए वहां जाकर एकोनाइट अपना असर छोड़ देगा और मेडले रेस बाज दफा शुरू हो जाती है। मेडले रेस कहते हैं दो चार मिलके दौड़ते हैं, एक ने एक डंडा एक मुकाम तक पहुंचाया, वहां से दूसरे ने पकड़ा और फिर आगे, और फिर बाद तीसरे की जरूरत पड़ती है, तीसरा आगे ले जाता है। होम्योपैथिक दवाओं में भी बसा औकात मेडले रेस करनी पड़ती है। एकोनाइट ने इब्तदाई काम दिखा दिया और कुछ अरसे के बाद असर छोड़ दिया, फिर उससे अगली कौन कौन सी इम्कानी दवाएं हैं जिनको देखना होगा। उनमें सल्फर एक नुमाया दवा है जिसको एकोनाइट का मुजमिन कहा जाता है। हाँ जी फरमाइए। उनको अगर बाद ड्रग की एडजस्टमेंट करते हों तो ऐसे होता है कि हो सकता है ड्रग्स कम जा रही हैं तो दिमाग पे ऐसा होता है एकदम चीखे मारता है, जैसे एपिलेप्सी का मरीज है, अगर आप उसकी ड्रग एडजस्ट कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं तो बाद ऐसा मौका आया कि वो चीखे मारता। उनका एकोनाइट से कोई ताल्लुक नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, एकोनाइट का मरीज भी चीखे मारता है लेकिन एक ताज़ा सदमे के असर से आर्जी खतरात के पेश नज़र, अगर ताज़ा सदमा जो आर्जी खतरात पैदा करता है वो लंबा ना चले और खतरात आर्जी ही रहें, या मरीज मर जाए या शफा पा जाए, तो ये एकोनाइट का दायरा कार है। लेकिन अगर उसके बाद बात लंबी हो जाए तो फिर और दवाएं हैं जिनका चीखों से ताल्लुक है, जिनका इससे मसलन एक ही पट्टी में भी गालबन एबिस है जिसका इससे एपिलेप्टिक की चीखों से ताल्लुक है। निकालें जरा, ये इस्कुलस है ये एबिस है, देखें दोनों में से कोई और अच्छा अंग्रेजी दान हो जाए निस्पतन। हाँ? नहीं नहीं अंग्रेजी ही पढ़ने में आ जाए, जब आ जाए अंग्रेजी पढ़ने में जिसको मुहावरा ज्यादा हो, ये कहीं अटक के ना एक दो जगह पे जाके कहीं आ जाए। ये इस्कुलस है और उधर दूसरा एबिस है, जो मुदत हुई है ना एक चीजें देखे हुए, मगर है यही कहीं वो चीज जिसका इन्होंने बताया ना, वो चीखें जिनका एपिलेप्सी से ताल्लुक है, वो दवाई कम हो जाती है तो फिर वो। हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ, लेकिन उस इस हवाले से तो नहीं होगा कि दवाई कम हो जाए, एब्सेंट ही है, एब्सेंट एब्सेंथम पढ़े जरा। एब्सेंथियम कॉमन, ठीक है वार्म वुड कहने दे कहने। हाँ परफेक्ट पिक्चर ऑफ epileptic form, huh? Seizure is produced. Seizure. Seizure is produced by this drug. Nervous tremors. Tremors. Precede attack. Like a doctor, you can do it better because the medical terminology. No. The terminology is the same. Absinthium. Yeah, that's right. Common wormwood. Yes. A perfect picture of epileptiform seizure is produced by this drug. Nervous tremors, shake karna jise kehte hain, precede attack. Should I translate? No, okay, main kar leta hu, aap pehle padh ke suna dena. And severe giddiness, delirium with hallucinations and loss of consciousness. Theek hai, itna abhi thehrenge. ये दवा है जिसका एपिलेप्सी से बड़ा गहरा ताल्लुक है और इसकी बात खास इलामतें हैं एपिलेप्सी में जिनको पेश नज़र रखना चाहिए। पहला ये कि इसके एपिलेप्सी का दौरा पड़ने से पहले कुछ हाथों में ट्रेमर, कुछ आसाबी कमजोरी के आसार ज़ाहिर होते हैं, जिसको ये ट्रेमर लिख रहे हैं
वो मुख्तलिफ वजह से हो सकती है। मेरा जहाँ तक इस दवाई का असर मुझे याद है वो ये है कि इससे असाब में अचानक कमजोरी वाक़ हो जाती है और यूँ मालूम होता है अंदर से इंसान किसी चीज़ से मगलूब हो गया है। उस वक्त उसके हाथ पाँव में हल्की सी थरथराहट पैदा हो जाती है और फिर जब एपिलेप्सी का दौरा आता है तो डिलीरियम उसमें पाया जाता है। बाद एपिलेप्सी के मरीज दौरे में चले जाते हैं, खामोशी से बेहोश हो गए, लेकिन कोई आवाज़ वगैरह ऐसी नहीं निकालते जिसमें कुछ बातें पाई जाएं, कुछ पागलपन का इजहार हो। इस दवा में यह है डिलीरियम। तो एकोनाइट के जिक्र में मुझे इसलिए याद आई थी, ये बात आपने किया तो मुझे याद आया इसका, कि एकोनाइट में भी डिलीरियम है लेकिन वो आर्जी बीमारियों का डिलीरियम है, यानी पागलपन की बातें बेहोशी में करना। इस दवा का ताल्लुक लंबी बीमारियों से है और एपिलेप्सी जैसी बीमारी जो बाज़ दफ़ा ज़िंदगी भर साथ लगी रहती है उसका डिलीरियम हो अगर तो एविस आपको याद आनी चाहिए, और उस डिलीरियम में चीखें और खौफ का इजहार हो तो एकोनाइट कोई काम नहीं करेगा। कुछ मिलती हैं अलामतें, बाकी जो अलामतें हैं वो अलग हो जाती हैं। ठीक है, और देखें आगे। नर्वस एक्साइटमेंट एंड स्लीपलेसनेस। नर्वस एक्साइटमेंट वही नर्व्स के साथ इसका ताल्लुक है। बाज़ मरीज हैं एपिलेप्सी के जिनका मालूम होता है पस मंजर बीमारी का आसाब से ताल्लुक रखता है और उनमें ज़्यादातर ऐसी दवाएं काम आएंगी जिनकी बुनियाद आसाबी कमज़ोरी पर है। अब ये बाकी बातें भी देखें, नींद नहीं आती आसाबी कमज़ोरी की वजह से, इसलिए एक दवाई के मिजाज को समझना चाहिए। अब ये सारी अलामतें याद रखना बड़ा मुश्किल है होम्योपैथ के लिए, लेकिन मेरा जहन इसकी तरफ इसलिए गया है कि मैंने सबके मिजाज जहन में नक्श किए हुए हैं। जब कोई मिलती जुलती बात उस मिजाज की तरफ इशारा करे तो फिर किताबें मौजूद होती हैं, इंसान फौरन उठाकर उनको देख सकता है, जिस तरह आप इस किताब को मैं उठा के देख रहा हूँ, और आपको आपकी रहनुमाई से ही दवा तक हो जाती है। आगे चंद बातें पढ़ जाएँ और जी। हाँ, जो हेलुसिनेशंस वगैरह हैं इनका ताल्लुक दिमाग की झिल्लियों के अंदर इन्फ्लेमेशन या ओवर एक्साइटमेंट से है, ये महज नर्वस नहीं है। अब दो बातें मुमकिन हैं, एक तो ये कि नर्वस बीमारियां अपने तौर पर नर्वस कमज़ोरी की वजह से असाबी कमज़ोरी की वजह से हों, और उसके अलावा दिमाग की रगों में भी इन्फ्लेमेशन, दिमाग की झिल्लियों में भी इन्फ्लेमेशन पाई जाए, उससे भी असाबी कमज़ोरियाँ ज़ाहिर होती हैं मगर और तरह की। तो इस दवा में जिस्मानी इन्फ्लेमेशन इतनी नहीं जितनी दिमाग के पर्दों की है या असाब की कमज़ोरी, असाब की कमज़ोरी और नतीजे पैदा करती है, लेकिन दिमाग की झिल्लियों की एक्साइटमेंट असाब पर वायलेंस का असर दिखाती है। ऐसा मरीज गुस्से में आता है, बकता है, बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें जोश दिखाता है, तो इस दवा में ये दोनों मिजाज खास तौर पर पाए जाते हैं। आगे चलिए। सेरेब्रल इरिटेशन, हिस्टेरिकल एंड इन्फेंटाइल स्पैज्म्स कम विद इन रेंज ऑफ दिस रेमेडी। करेक्ट। पॉइजनिंग बाय मशरूम। अब स्पैज्म का जहां तक ताल्लुक है, इसमें लिखा है इसने इन्फेंटाइल स्पैज्म्स, बच्चों के जो क्या कहते हैं इसको स्पैज्म को, तशन्नुज, आसाब में तनाव होकर एकदम यूं जुड़ते हैं, मुट्ठी की तरह बंद होते हैं, उसे बाद बड़ी सख्त तकलीफें होती हैं, दर्द बहुत होती है जब तक उसको हल ना कर लिया जाए। लेकिन याद रखें स्पैज्म और एपिलेप्सी दोनों एक ही किस्म की बीमारियों के दो चेहरे हैं। एपिलेप्सी बगैर स्पैज्म के नहीं होती, कहीं दिमाग में कुछ स्पैज्म हुआ है, रग में किसी खून में, या असाबी स्पैज्म हुआ है, उसके नतीजे में मरीज एपिलेप्टिक होता है। पर जितनी एपिलेप्सी की दवाएं हैं उनका स्पैज्म से ताल्लुक है, और जितनी स्पैज्म की दवाएं हैं अगर दवाओं किताबों में एपिलेप्सी के नाम पर ना भी पाई जाएं तो आप अपने तजर्बे में ला सकते हैं उनको। जिनके यहाँ एपिलेप्सी के केसेस हैं, हमारे एमडी हैं बहुत से, कुछ दूसरे गैर एमडी सुनने वाले भी अब दिलचस्पी ले रहे हैं, मुझे इतला मिल रही है इस प्रोग्राम में दिलचस्पी ले रहे हैं, उनको मेरा मशवरा यह है कि एपिलेप्सी से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम दवाओं
को खुद पढ़ें और बार बार पढ़ें। पहली दफा जब पढ़ेंगे तो हर दफा लगेगा कि हमारे बच्चे पर ही इसका इतलाक हो रहा है, इंसान घबरा जाएगा। अच्छा अच्छा ये तो ये भी उस पर लगती है, दूसरी वो भी उस पर लगती है। हालांकि जब आप देंगे तो फायदा नहीं होगा। तो उसकी वजह यह है कि मिजाज शनासी और मिजाज कद की तफरीक जरूरी है। इलामतें बहुत सी मुश्तरक दिखाई देंगी, स्पैजम के नतीजे में कमोबेश ऐसी इलामतें होती हैं, मगर वो कौन सी ऐसी दवा है जिससे किसी बीमारी का मिजाज अलग कर दी, किसी दवा का दूसरी दवा से इस तरह मिजाज अलग कर दिया जाए जैसे बाज़ मरीजों का बाज़ मरीजों से मिजाज अलग होता है। जब आप इस हिस्से पर अबूर हासिल कर लेंगे तो फिर आपके लिए लंबी तस्वीरों में जाए बगैर सही दवा की तशख़ीस आसान हो जाएगी। और क्या कहते हैं आगे? पॉइजनिंग बाय मशरूम्स, कोरिया, ट्रेमर, नर्वसनेस, वो भी वही है। मशरूम पॉइजन बाज आसाब पर बहुत गहरा असर दिखाते हैं। बाज मशरूम पॉइजन ऐसे हैं जो नर्वस फेल्यूर करके हार्ट फेल्यूर कर देते हैं, बहुत जल्दी मौत हो जाती है। बाज हैं जो दूसरे सेप्टिक असरात भी दिखाती हैं, मगर ये ज़्यादातर उससे ताल्लुक रखने वाली चीज़ है। Hallucinations, frightful visions, kleptomania, loss of memory, forgets what has recently happened, wants nothing to do with kleptomania. बंद जगह में बंद, हाँ kleptomania वही है गालबन। आप चेक कर लें, ऐसी जगह जहाँ बंद कमरा हो, हॉल के अंदर इंसान हो, वहाँ उसको महसूस होता है कि मैं, हाँ बड़ा ही हो कमरा, ये एहसास हो कि मैं कैद हो गया हूँ, घबराहट शुरू हो जाती है, वो उसको गालबन क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। लेकिन चेक करें, मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है कि ये बात दुरुस्त। आगे चलें। Forgets what has recently happened, wants nothing to do with anybody. ठीक है। Brutal. These are mind symptoms. ठीक है। Head. Forgets what has recently happened. ये जो इलामत है ये बहुत ही गहरी और मुजमिन बीमारियों में भी पाई जाती है और आर्जी बीमारियों में भी, और इसका आर्जी बीमारियों में उनमें पाई जाएगी जहाँ जिनका स्पैज़म से ताल्लुक़ है, और मुज़मिन बीमारियों में वहाँ पाई जाएगी जहाँ आहिस्ता आहिस्ता खून की रगों के अंदर ऐसे मवाद बैठ चुके हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, और उन नालियों को उन्होंने तंग कर दिया है यहाँ तक कि वो दिमाग के तमाम हिस्सों को बराबर खून नहीं पहुँचा रही। ऐसी बीमारियाँ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहलाती हैं, और उनके नतीजे में इंसान के अंदर ये बीमारी पैदा होती है कि वक्ती याददाश्त कमज़ोर होने लगती है और पुरानी याददाश्त उसी तरह कायम रहती है, क्योंकि याददाश्त के दो तीन तबके अल्लाह ताला ने बनाए हैं। एक याददाश्त है जो रोज़मर्रा की चीज़ें अभी ली अभी वापस कर दी, उसके लिए बहुत थोड़ी एनर्जी दिमाग को ज़रूरत है खर्च करने की, और उनकी इम्पोर्टेंस कोई नहीं, आई गई और बात भूल गई, ख़त्म हो गई। एक याददाश्त है जिसको हम सेमी परमानेंट कह सकते हैं, वो रोज़मर्रा के लिए नहायत ज़रूरी है। मसलन खाना खाते हैं आप तो उसका असर, उसका उस वक्त की जो कैफियत है ये महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं, शाम तक याद भी रहे कि ना। लेकिन ये नहीं हो सकता कि खाना खाया हो और शाम तक ये भूल गया हो कि मैंने खाना खाया है। तो इन दोनों यादों में एक फ़र्क है, ये जो मैं कह रहा हूँ और ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, उससे ये असर पैदा होता है। लेकिन ये जो बीमारी है एब्सेंट की, ये और चीज़ है, इसका वक्ती थोड़ी देर की चीज़ से ताल्लुक है, यानी अचानक एक बात भूली है और फिर बात ख़त्म हो गई, लेकिन दिमाग पर कोई गहरा असर नहीं पड़ता, वो पैदा हो, उसको कहते हैं ब्रेन फैग भी कह सकते हैं, और स्पैज़म की वजह से वक्ती तौर पर खून की सप्लाई कम हुई और वो हिस्सा याददाश्त का मुअत्तल हो गया। तो ये आपको मिजाज हर दवा के समझने चाहिए, अगर मिजाज शनासी कर लेंगी तो फिर बहुत बड़ी बड़ी मेहनतों से बाद में निजात मिल जाएगी। मैं चूँकि लेडीज़ को कह रहा था इस वक्त, कर लेंगी कह दिया, आप सबको कहता हूँ कि कर लेंगे आप, तो बहुत बात की बेवजह की मशक्क़तों और मेहनतों से निजात मिलेगी। बस ठीक है, फिर सर काफ़ी होगी, बाकी तफसीलात हैं इसकी, बेसिक टू फीचर्स यही हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दो हैं।
तशरीह रखें, दिमाग में झिल्लियों की सोजिश और असाबी कमज़ोरियाँ अगर ऐसी बीमारियाँ पैदा करें जिनका स्पैज़म से ताल्लुक हो, तो इन बीमारियों का ताल्लुक एब्सिंथियम से है। इसलिए एक ही पट्टी में जो याद रखने वाली एक दवा है वो ये है। इसी ज़मन में आपको बाद और दवाएं एट रैंडम बताता हूँ, या कहें तो किताब से लिस्ट देख देख के बता देते हैं। सरदस्त मेरा ख्याल है अभी जनरल गुफ्तगु जारी रखें, जब बात और आगे बढ़ेगी तो फिर एक एक दवा को बाकायदा असूलन गहराई में जाकर उनका मुतालिया करेंगे। मैंने आपको बताया था एकोनाइट के मुतालिक, एकोनाइट में ये बातें पाई जाती हैं। इसलिए एकोनाइट का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, लेकिन इस पर ऐसा इन्हिसार नहीं करना चाहिए कि एकोनाइट दे के बेखबर हो जाएं। वक्ती तौर पर बाज़ एकोनाइट से भी वक्ती फ़ायदा भी होता है, क्योंकि मिलती है अचानकपन से, लेकिन बीमारी गहरे असर की होती है, लंबी चलने वाली, वो फिर बाद में आके इंसान को पकड़ लेती है। इसके बाद आने वाली दवाएं ये आपके जहन में रहनी चाहिए, जो गुज़श्ता मैंने लेक्चर में नहीं बताई थी। उनमें एक सल्फ़र है जिसको एकोनाइट का मुज़मिन कहा जाता है, और एक सिलीशिया है जो सेप्टिक बीमारियों में सबसे ज़्यादा मौसर दवा है। जितने भी जरासीम के हमलों से ताल्लुक़ रखने वाली बीमारियां हैं उनमें बाज़ किस्में ऐसी हैं जिनका सिलीशिया से कोई ताल्लुक नहीं, वो ख़ास किस्म की बीमारियां हैं, जैसे टाइफाइड है, और भी बहुत सी कई ऐसी हैं जिनको मैं मौके पर अलग अलग बताऊंगा। लेकिन रोज़मर्रा का जिसको सेप्टिक असरात कहते हैं, असर कहते हैं, मसलन अचानक कोई गंदी गज़ा खाई गई, गंदा पानी पिया गया, उससे इसहाल लग गए, पेचिश हो गई, उसमें एकोनाइट अगर फौरन दी जाए तो बहुत नुमाया असर दिखाता है। ख़ास तौर पर पेचिश की अचानक तकलीफ़ में तो एकोनाइट का ख्याल ज़रूरी है। बाज़ इलाकों में अचानक पेचिश हो तो एकोनाइट फौरी असर दिखाता है अलग फल से। जी मैं बताता हूँ, मैं पहले बता चुका था, मैं समझा आप उसमें नहीं थी, बैठ जाएं। दो किस्म की बीमारियां हैं, एक कहलाती हैं एक्यूट और एक क्रॉनिक, और एक तीसरी किस्म है जो इन दो के दरमियान भी है। एक्यूट बीमारी वो है जो आई और चली गई और मुस्तकिलन छोड़ गई मरीज को, और मुज़मिन बीमारी वो है जो आकर ठहर गई और जिस्म को ज़िंदगी के साथ या पूरी ज़िंदगी साथ रही या एक लंबा अरसा तक साथ रही, और एक है जो इसको इन दोनों के दरमियान बैन की बीमारियां हैं। सब एक्यूट जी, टाइफाइड इस सब क्रॉनिक और सब एक्यूट आई थॉट इट कुड बी मोर ऑन द साइड ऑन क्रॉनिक देन एक्यूट वरना वो क्रॉनिक या सब क्रॉनिक। तो ऐसी बीमारियां जो दोनों के दरमियान हैं, अंग्रेजी में उनको कहते हैं सब एक्यूट, डॉक्टरी इस्तेमाल में कहा जाता है, लेकिन बाद हैं जो सब क्रॉनिक ज़्यादा मुनासिब होगा कहें उनको, वो ज़्यादा क्रॉनिक की तरफ मायल होती हैं। अब इसमें मैं समझता एपिलेप्सी है ये क्रॉनिक है, और बास किस्म के पागलपन हैं क्रॉनिक हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी खून की नालियों का रफ्तार रफ्तार सख्त हो जाना ये क्रॉनिक कहलाएगा, रूमेटिज्म जिस्म की दर्दें ये क्रॉनिक कहलाती हैं, और भी ऐसी बहुत सी हैं जो इनमें क्रॉनिक में और एक्यूट में एक फ़र्क तो ये है कि क्रॉनिक आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती है और जिस्म के आसाब पर या खुलियों पर या खून में या उजलात में तब्दीलियां पैदा करती है। बाज़ दफ़ा तब्दीलियां पैदा पहले से आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं, उनके नतीजे में बीमारी नज़र आती है, काफ़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है।
بعض دفعہ بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ تبدیلیاں پیدا کرتی ہے. مثلا ذیابیطس ہے, ذیابیطس بہت سی کرونک بیماریاں پیدا کر سکتی ہے. مثلا یہی جو ہم آرٹیریو سکلوریسس کی بات کر رہے تھے, ذیابیطس کے نتیجے میں یہ پیدا ہو سکتا ہے. گردے کی کرونک بیماریاں نیفرائٹس وغیرہ, یہ اس کے نتیجے میں ذیابیطس کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے. دل کی بیماریاں ذیابیطس کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہیں, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ذیابیطس سے تعلق ہے مگر ذیابیطس ان کے نتیجے میں نہیں بلکہ وہ ذیابیطس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. اور بعض بیماریاں کرونک ہیں جو دراصل علامتیں ہیں بیماریوں کی, وہ کرونک بیماریوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں اور کرونک بیماریاں دکھائی دیتی ہیں. مثلا آرٹیریو سکلیروسز یعنی خون کی رگوں کا تنگ ہو جانا اور سکڑ جانا, یا ان کے اندر کوئی ایسی مادہ جم جانا جس سے خون پوری طرح نہ پہنچے, اس سے بعض دفعہ بہت کرونک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. مثلا ٹانگوں میں سے جان نکلنی شروع ہو گئی, ٹانگیں سکڑنی شروع ہو گئیں, یا داشت کا چلا جانا. وہاں اصل میں چینجز جو پہلے ہوئے ہیں وہ بیماریاں پیدا کر رہے ہیں, اور چینجز خود کس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ تبدیلیاں کئی وجوہات سے پیدا ہو سکتی ہیں. ایک میں نے ذیابیطس کا نام لیا ہے, ذیابیطس کے نتیجے میں آرٹیریو سکلیروسس پیدا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بغیر ذیابیطس کے بعض لوگ جو غذا میں احتیاط نہیں کرتے, بہت زیادہ چربیاں کھاتے ہیں یا گوشت بہت کھاتے ہیں, ان کو بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے, اس جس نسبت سے کھاتے ہیں اس نسبت سے ایکسرسائز نہیں کرتے, ایسے جو لوگ ہیں ان کو دو طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. ایک ہے جسمانی فربہی اور موٹاپا, ان کی جو ایکسٹرا انرجی ہے وہ ساری ایسی فیٹس میں تبدیل ہوتی ہے جو ان کے جسم کا حجم بڑھاتی رہتی ہیں. بعض صورتوں میں اگر جگر میں کوئی نقص ہو تو وہی فیٹ جو زیادہ ہو رہی ہے اس سے پھر کولیسٹرول بنتے ہیں, اور کولیسٹرول کا کنٹرول جگر سے اٹھ جاتا ہے, اور وہ بجائے کہ صرف چربی میں بن کے نہیں بیٹھتی بلکہ خون کی نالیوں میں وہ کولیسٹرول بن کے جمتی ہیں. اب کولیسٹرول کی بہت سی قسمیں ہیں مگر جو لو ڈینسٹی لپڈز ہیں, ایل ڈی ایل کہلاتے ہیں, وہ ہیں اصل خطرناک. وہ جسم کی جو نالیاں, خون کی نالیاں, ان کے پردوں سے آر پار نکل سکتے ہیں اور وہ اس میں جمنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے ساری جسم کو کرخت کر دیتے ہیں, اور پھر اندر ان کے اوپر خون کے پلیٹلیٹس وغیرہ جمع ہو کے وہاں وہ کلاٹس بنانے لگ جاتے ہیں, اور وہ پھر آہستہ آہستہ نالیوں کو تنگ کرتا ہے. جو ہارٹ اٹیک آپ نے سنا ہوا ہے اکثر, اور ایک نالی کا ہوا ہے, دو کا ہے, چار کا, ان کا اس کولیسٹرول سے تعلق ہے. تو کرونک بیماریاں اسی کے نتیجے میں, وہ دماغ کی رگیں اگر تنگ ہو جائیں تو آرٹیریو سکلیروسس ہو جائے گا. بس اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ بیماریاں ملتی جلتی بیماریاں بھی ہوں ان کی وجوہات ایک نہیں ہو سکتی, این ممکن ہے کہ 10 یا 20 وجوہات ہوں. اب ذیابیطس کی بات ہوئی تھی, ذیابیطس میں اس سے پہلے یہ خیال پایا جاتا تھا کہ ایک یا دو یا تین قسم کی ذیابیطس ہے. اب انہوں نے معلوم کیا ہے کہ سینکڑوں قسم کی ذیابیطس ہے. جو ہائر ریسرچز ہوئی ہیں امریکہ میں خصوصیت سے, ان سے پتہ چلا ہے کہ ہزاروں قسم کی, سینکڑوں قسم کی ذیابیطس, اس حساب سے کہ اصل فیکٹر کیا ہے اور کس نوعیت کا نقص ہے جس کی وجہ سے جسم کو وقت کے اوپر جتنی انرجی کی ضرورت ہے, جسم میں موجود ہونے کے باوجود
वो एनर्जी में तब्दील नहीं हो रहा, ये बुनियाद है ज़ियाबीतस की। इंसुलिन चूँकि इस काम के लिए मामूर है अल्लाह ताला की तरफ से, और इंसुलिन लबलबे में पैदा होती है, ये जिगर के साथ एक है जिसको क्या कहते हैं इसको, पेंक्रियास के साथ एक आइलेट होता है, हाँ देयर इज स्पेशल नेम ऑफ दैट आइलेट, लैंगरहैंस, दैट्स राइट, दैट्स द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर, लैंगर उसको लबलबा कहते हैं असल में। पेंक्रियास तो बड़ी चीज़ है, उसके साथ एक छोटा सा जजीरा नुमा वो एक लोथरा लटका होता है जिसको लैंगरहैंस आइलेट कहते हैं, वहाँ पेंक्रियाज वो ये बनाते हैं ज़ियाबीतस की दवा इंसुलिन। सिर्फ इंसुलिन ही नहीं बनाते बल्कि इंसुलिन का चेक भी बनाते हैं, और बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जिसका बयान इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की शान और उसकी कुदरत का इजहार है, और ये ख्याल कि ब्लाइंड अंधी एवोल्यूशन ने खुद ब खुद ये चेक्स और काउंटर चेक्स पैदा किए हों, ये बिल्कुल पागलपन है। ये देहरियों की क्रॉनिक डिजीज़ है कि हर बार जिसमें वो वंडर देखते हैं कहते हैं 10 अरब साल में हो गई होगी इसलिए वंडर नहीं है, हालांकि ऑर्डर लंबे वक्त के नतीजे में डिसऑर्डर में तब्दील होता है, मजीद ऑर्डर में तब्दील नहीं होता। ऑर्डर कॉन्शियसनेस के नतीजे में पैदा होता है, एक ऐसे सुपर दिमाग की ज़रूरत है जो देख के ऑर्गेनाइज करे और तमाम वक्त तक उसकी निगाह हो और वो मुअय्यन करे कि इसके बाद क्या चीज़ आनी है, उसके बाद क्या आनी है, तरतीब से रखे, उसको ऑर्डर कहते हैं। अब आपने ये तो देखा होगा कि आप चीज़ें सजा दें अपने घरों में और उसके बाद देखभाल छोड़ दें तो कुछ अर्से के बाद सब बिखर जाएँ, मगर उस समझ सकता है इंसान कि ज़रूरी नहीं अमदन किसी ने ऐसा किया हो, वक्त का हाथ दिखाता है ये कर्तव्य। लेकिन ये नहीं कभी आप देखेंगे कि चीज़ें सारी बिखरी पड़ी हों और आप 1 करोड़ साल के बाद घर में वापस आएँ तो सब चीज़ें ऐन सलीके से सजी हुई हों, हर जगह अपनी अपनी जगह टिकी हुई हो, और कोई पूछे कि ये कैसे हो गया, तो कोई आया होगा, आपके नहीं नहीं पागल ना बनो, कोई नहीं आया, ये वक्त की वजह से हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता हवाएँ चली तो वो चीज़ जो पहले लेटी हुई थी वो खड़ी हो गई, फिर और हवाएँ चली तो वहाँ पहुँच गई, फिर और हवाएँ चली तो वो यहाँ आ गई, और बाकी चीज़ों के साथ ये सब हरकतें हुई तो देखो हर चीज़ सलीके से आ गई। हम ये नहीं कहते फौरन हुई, इत्तेफाक हो सकता है ना आखिर, और ये इत्तेफाक कहते हैं वो 1 अरब नहीं चलो 10 अरब साल कह दो उसमें फैल गए हैं। हालांकि हमारा मुशाहदा रोज़मर्रा का ये है कि जहां ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो बामकसद हो वो ऑर्गेनाइजेशन इत्तेफाकात से पैदा नहीं हुआ करती, उसके लिए उससे पहले एक सोची समझी स्कीम का होना ज़रूरी है। बस लुबलुबे पर अगर गौर करें आप तो हैरान हो जाएंगी कि लुबलुबे में जो ज़ियाबीतस को रोकने के लिए जिसको हम ज़ियाबीतस कहते हैं दरअसल तो उसका नाम फ़िलहाल भूल जाएं, खून में जितनी भी एनर्जी पाई जाती है ये शुगर फॉर शक्कर की शक्ल में है, यानी पहले इंसान इसको शक्कर की शक्ल में तब्दील करता है। अगर आपने शक्कर ना भी खाई हो तो दूसरी ग़िज़ाओं से भी जिस्म अपनी ज़रूरत के लिए शक्कर बनाता है, और इसका कारखाना जिगर में है, और जिगर की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री कि अब तक कम से कम 5,000 दवाएं ऐसी मालूम हो चुकी हैं जो जिगर में बन रही हैं, और कोई शोर नहीं कोई धुआं नहीं, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी जिस्म में बाज अच्छे अवामिल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनल कंजम्पशन उसकी हो रही है, और जो वेस्ट ज़ाहिर बाहर जाता है वो आगे एकोसिस्टम को तकवीत देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए परफेक्ट इंडस्ट्री, और एक जिगर जो कलेजी आप यूँ निकाल के भून के खा जाती हैं या खा जाते हैं उसके अंदर ये सारी मशीनरियाँ मौजूद हैं जिससे दवाएँ बन रही हैं। अब वो शुगर भी बन रही है और भी बहुत सारी, खैर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें अगर शुगर बन रही हो तो शुगर को खून के लिए ताकत में तब्दील करना,
खून की खुलियों में शुगर की एनर्जी का बार बार भेजना ताकि खून का खुलिया जिंदा रहे, बाकी सब बातें छोड़ दें, इसके लिए ऐसा अजीम शान इंतज़ाम है कि हर खुलिए के इर्द गिर्द दोरी झिल्लियाँ हैं, और दोरी झिल्लियाँ होना उनका ज़रूरी था, उसके बगैर बात बन ही नहीं सकती थी। इत्तेफाकन अगर सिर्फ एक झिल्ली पैदा हुई होती तो खून का निज़ाम चल ही नहीं सकता था। खून के अंदर जो कुछ है, अगर उसके अंदर पानी पहुंच जाए बाहर का जो खून के इर्द गिर्द है, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ। उसको प्रिवेंट करना है, खून के पानी से उसको बचाना है, और शुगर अंदर पहुंचानी है, और शुगर अंदर पहुंचाने के लिए ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो उसको एनर्जी में भी तब्दील करे, और अगर वो खुला रास्ता रहे तो फिर दूसरी चीज़ें भी पहुंच जाएंगी। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उस एनर्जी का, उसको बाहर निकालना है। ये जो हो रहा है काम, ये दो पर्दों में ऐसा निज़ाम है कि ये बाज़ रस्ते उसके एक वन वे ट्रैफिक इस तरह से जा रही है, एक वन वे ट्रैफिक उधर से बाहर आ रही है। जो वेस्ट ऑफ एनर्जी की वन वे ट्रैफिक बाहर की तरफ है, उससे कोई चीज़ अंदर दाखिल नहीं हो सकती। जो वन वे ट्रैफिक अंदर की है, उसमें इस तरह सिर्फ उस वक्त चलती है जब इंसुलिन का कोई ज़र्रा शुगर के किसी ज़र्रे को लेकर उसके अंदर दाखिल होता है, और तो वो फौरन अंदर जाके अपनी ज़रूरत की एनर्जी दे देता है। ये जो सिस्टम है, देखने में आमतौर पर झिल्लियों से जो एक मादा दूसरी तरफ मुंतकिल होता है, जिससे ऑस्मोसिस में हमें दिखाई देता है, यानी जड़ें पानी निस्बतन हल्की चीज़ को बाहर से लेती हैं और अंदर गाढ़े की चीज़ की तरफ वो मुंतकिल होती रहती है। अगर बाहर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो जड़ें सूख जाएंगी, तभी कलर में दरख्त मर जाते हैं, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन जो बात मैं बता रहा हूँ वो ऑस्मोसिस नहीं है, कुछ और चीज़ है। कोई अंदाज़ा कर सकता है कि एक सेकंड में कितनी दफ़ा ये अमल होता होगा कि शुगर को इसका इंसुलिन का गुजर्रा उठाकर अंदर गया है, तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं और वेस्ट बाहर आ गया है, एक सेकंड में कितनी दफ़ा होता होगा? डॉक्टर साहब आप बताइए, कोई अंदाज़ा है? फिर भी तो हाँ, लेकिन लाखों दफ़ा होता है, एक सेकंड में कई लाख दफ़ा, यानी ऐसी रफ्तार है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस तरह हर खून के ज़र्रे की अल्लाह ताला हिफाजत कर रहा है, हर खून के ज़र्रे को ज़रूरत की एनर्जी दे रहा है, और उससे वेस्ट निकल रहा है, और ये इंसुलिन काम कर रही है। बस जब इंसुलिन कमज़ोर हो जाए तो डायबिटीज़ का मरीज़ कमज़ोर हो जाता है। अब बाज़ दफ़ा यानी इंसुलिन ना हो तो शुगर मौजूद है लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो रही, और अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाए तो फिर भी यही अमल होगा। इसलिए बाज़ मरीज़ बेचारे इसलिए भी मर जाते हैं, उनको ये नहीं पता लगता कि मैंने क्या करना है। बाज़ दफ़ा इंसुलिन का अमल तेज़ होने की वजह से एकदम एनर्जी सेप कर जाती है, और बाज़ दफ़ा उसका बरक्स होता है। इसलिए बाज़ जो मरीज़ हैं डायबिटीज के, उनको जब कमज़ोरी हो तो कहते हैं आप शुगर खा लें, लेकिन अगर किसी वजह से इंसुलिन ज़्यादा दे दी गई हो तो वो शुगर जिस्म की वैसे खाई जाती है पहले ही, उससे ये पैदा हो जाती है। बाज़ दफ़ा इसका बरक्स भी होता है कि इंसुलिन नहीं है और शुगर ज़्यादा मौजूद है, फिर भी कमज़ोरी है, इसलिए कि इंसुलिन नहीं थी और शुगर ताकत में तब्दील नहीं हो सकी। अब ये एक वजह है जिसकी वजह से ये डायबिटीज पैदा होती है, लेकिन जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम्स हैं वो बाज़ दफ़ा बग़ैर वजह के इंसुलिन के असर से खौफ खाते हैं और इंसुलिन के खिलाफ रिएक्शन दिखा रहे हैं। शुगर भी है खून में, इंसुलिन भी है, लेकिन वो जो सेल्स जिनके अंदर जानी चाहिए वो इनकार कर रहे हैं,
उसकी क्या वजूहात है और बहुत सी वजूहात हैं। ये दो वजूहात मैंने आपको बताई हैं, लेकिन ऐसी मैंने जैसा कि बताया है सैकड़ों वजूहात हैं जिनकी वजह से ज़ाबितस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही उलझा हुआ मज़मून बन गई है। वो बात नहीं रही कि इंसुलिन दो और बात ख़त्म हो गई। ये क्रॉनिक डिजीज़ है, लंबे अरसे में आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती और बढ़ती और आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बद बीमारियां पैदा कर जाती है जो जिस्म के साथ हमेशा का एक जुज़ बन जाती हैं। इसलिए इसका बहुत अच्छा इलाज ज़रूरी है। इस ज़मन में मुझे कुछ अरसा हुआ, होम्योपैथिक दवाएं जब आएंगी मैं तो बताऊंगा ज़ियाबितस के उसके भी कई जगह बहुत फ़ायदा पहुँचता है अल्लाह के फजल से, और बाज़ दफ़ा फिर काम नहीं भी असर नहीं भी दिखाती। मगर इंग्लिस्तान में मुझे याद है जॉर्ज ज़फ़रुल्लाह खान साहब जब बीमार थे, उनको कोई 25-30 साल से इंसुलिन लग रही थी, क्योंकि जब इंसुलिन बननी बंद हो जाए तो बाद दूसरी दवाएं जो आजकल ईजाद हुई हैं वो भी असर नहीं दिखाती, उस वक्त फिर डॉक्टर इंसुलिन पर डाल देते हैं। जॉर्ज ज़फ़रुल्लाह खान साहब रज़ी अल्लाह अन्हो बाकायदा दिन में 2-3 टीके लगाया करते थे, बाद में शायद एक पे भी आ गए थे मगर लगाते ज़रूर थे। उनको जो एक दफ़ा पता चला कि मैं होम्योपैथी में कुछ दस्तरस रखता हूँ, तो उन्होंने मुझे भी पैगाम भेजा कि मुझे बताएं तो होम्योपैथी में इसका भी इलाज है। मैंने जो उनको नुस्खा दिया था वो बंगाल के हमारे एक अहमदी डॉक्टर थे, वो वफात पा चुके हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे तजुर्बे में आया है इसको आप इस्तेमाल करके देखें। वो था कैल्केरिया फॉस, काली फॉस और नेट्रम फॉस, और उसके अलावा नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ अलग देते थे और ये तीनों इकट्ठी देते थे। तो मैंने चॉइस साहब को यही नुस्खा लिख के भिजवा दिया कि आप ये इस्तेमाल करें। वो चूँकि बहुत बाकायदा थे अपने और रसूलों में भी बड़े बाकायदा थे, खाने के भी परहेज थे, चंद महीने के अंदर अंदर बिल्कुल शुगर उनकी ख़त्म हो गई, यानी ज़ियाबितस की बीमारी ख़त्म हुई दिखाई देती थी। कोई अजीब बात यह है कि उन्होंने इंसुलिन उसी वक्त बंद कर दी थी, वरना मैं उनको एहतियातन कहता कि अभी ना करें, लेकिन उनका वो असूली आदमी थे, जिस पर एतबार हो फिर पूरा एतबार करते थे। उन्होंने कहा मैं कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करूँगा, यही रखूँगा। यहाँ तक कि यहाँ जो इंस्टीट्यूट है रिसर्च का, जूसेक, क्या नाम है उसका, जूसेक या जूसेक कहलाता है, वो प्रोफेसर जिसने इंसुलिन ईजाद की थी उसी के नाम पर यहाँ एक इंस्टीट्यूट है ज़ियाबितस के मरीजों का। उनके इलम में ये बात आई क्योंकि चॉइस साहब को उस इंस्टीट्यूट के बाद माहरीन भी देखा करते थे, कि इस तरह चॉइस साहब कहते हैं कि मैं होम्योपैथिक दवाई से ठीक हो गया हूँ। उन्होंने कहा हमें यकीन नहीं आता, इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि आप 3 दिन के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में दाखिल हो जाएं, डाइट हम आपको करवाएंगे और इंसुलिन ही देंगे, आप अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ इस्तेमाल करें फिर हम चेक करेंगे। चॉइस साहब ने फिर मुझे लिखा कि मैं 3 दिन रहा हूँ, उसके बाद क्लीन बिल की रिपोर्ट थी, कोई ट्रेस इंसुलिन का नहीं, ना इसका ज़ियाबितस का नहीं रहा। क्या हाँ, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अभी बात ख़त्म नहीं की अभी, कि हर जगह काम नहीं करती। यही दवा बाज़ दूसरों को मैंने देखा है बिल्कुल काम नहीं करती। उसकी वजह वही है जो मैं आपसे इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ, जिस पर कि बीमारी एक नाम है जिसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, बीमारी सबब नहीं है बल्कि नतीजा है, और असबाब इतने बेशुमार हैं और इतने मख्फी हैं कि चंद चुटकुलों के ज़रिए आप डॉक्टर नहीं बन सकते। चुटकुलों का इलाज जो है ये बड़ा ख़तरनाक भी साबित होता है बाज़ दफ़ा। वहाँ लोग एक चुटकुला हाथ आ गया कि जी हम डॉक्टर बन गए, जो यही दिए चले जाओ। एक दफ़ा एक शख्स जा रहा था मुसाफिर, उसने देखा कि एक जगह एक ऊँट है जिसका सांस बंद हो गया और गला फूला हुआ है, उसको लोग घबरा गए कि अब ये गया मरने लगा। तो एक अच्छे समझदार आदमी ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, वो तरबूजों का मौसम था, उसने सोचा कि छोटा तरबूज इसने साबित निगलने की कोशिश की है और वो फंस गया अंदर और बड़ा फूला हुआ नज़र आ रहा था।
समझदार आदमी था, उसने कहा इसको लिटाओ ज़मीन पे, उसको पकड़ पकड़ा के लिटा दिया। उसने कहा ईंटें दो दो, एक ईंट नीचे रखी एक ऊपर, उसने मारी जोर से, तरबूज टूट गया, वो ठीक हो गया। बड़ी वाह वाह हुई, बड़ा शोर पड़ा कि बड़ा काबिल हकीम है। तो ये साहब जो गुजर रहे थे ये रोज़गार की तलाश में थे, वापस हो गया, क्या मुझे रोज़गार मिल गया, मुझे इलाज करना आ गया। ऐलान कर दिया कि गिलड़ का जो मरीज है उसे मेरे पास लाओ और फिर देखो कैसी जल्दी शफा होती है। वो गिलड़ होती है बीमारियां जो फूल जाता है, वो एक बदकिस्मत बेचारा उसको पकड़ के लाए कि इसको ठीक करो, उसके दो ईंटें ईंटें चाहिए दो। खैर उसको लिटाया, एक तरफ एक ईंट रखी, दूसरी ईंट से उसने वही दर्द तोड़ दिया। तो ये है जो आमतौर पर लोग जो अताई होते हैं वो इस तरह काम करते हैं। होम्योपैथिक में अताई पान नहीं चलता। कोई नुस्खा जो मैं देता हूँ, मैंने पहले भी वार्निंग दी थी बेल्जियम में या फ्रांस में, कि उन नुस्खों को इस तरह इस्तेमाल कर लें कि हो सकता है वक्त के ऊपर फौरन काम आ जाए, लेकिन ये ना समझें कि ये नुस्खा एक मुस्तकिल दवा है जो आपके हाथ में आ गई और इसके अंदर शफा लाजिम है। शफा तो अल्लाह ही के हाथ में है, और जब वो शफा ना देना चाहे तो दिमाग फिर जाता है, वो दवा जो मुफीद हो वो जहन में आती ही नहीं। और जब दुआ काम करे तो वो दवा फौरन जहन में आ जाती है और उसका कोई ज़रिया बन जाता है। हमारी बेटी शौकी, उसको शुरू में गलत ग़िज़ाओं की वजह से यानी खट्टी चीज़ें बचपन में देनी शुरू कर दी थी, उसको दमा हो गया, और बाज़ मौके पर तो लगता था कि बिल्कुल मौत तारी वारिद हो जाएगी और इन्फेक्शन ज़रूर होती थी। और उस ज़माने में भाई मुनव्वर के पास जाना पड़ता था, हालांकि मैं अमूमन अपने बच्चों में अपने ऊपर होम्योपैथी की इस्तेमाल करता था, मगर जब एक आदमी मर रहा हो तो उस पर पागलपन है कि इंसान अपने सिस्टम की वक़ार को पेश नज़र रख के उसके इलाज से गाफिल हो जाए। फिर एक दफ़ा मैंने दुआ की कि अल्लाह ताला कुछ ऐसी, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि होम्योपैथिक दवा ऐसी सिखा दे जिससे ये इसकी इन्फेक्शन फौरन काबू में आ जाया करे। अब नॉर्मली वो दवा जो मुझे समझ आई बाद में, वो इन्फेक्शन की रोज़मर्रा की दवाओं में शामिल ही नहीं है। लेकिन एक और मरीज़ जो कैंसर का मरीज़ था, उसके लिए जब मैंने दवाओं की तलाश शुरू की, और मेरा उस ज़माने में तरीक़ यही था कि बजाय इसके के इशारों से दवाई की तरफ पहुँचूँ जो आखिर पर लिखे होते हैं, इलामती इशारे कहलाते हैं, मैं पूरी किताब दोबारा पढ़ा करता था। जो मुझे किताबें पसंद थीं, एक में बात ना मिली दूसरी शुरू कर दी, ताकि इस अरसे में मेरे मिजाज शनासी हो जाए। और बाद सारी सारी रात पढ़ता था, फिर जाके सुबह मरीज़ का की असल दवा समझ आती थी। उसका नतीजा ये निकला कि शुरू में तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिर पर जाके बहुत सी मेहनतों से छुटकारा मिल गया और बहुत अच्छा सौदा साबित हुआ। फिर मैं बाद मरीज़ आते, एक दिन में एक बार दफ़ा 100-100 मरीज़ भी देख लेता था, और बाद लोग हैरान होते थे कि ये तो होम्योपैथिक नहीं है, होम्योपैथिक में तो इलामतें देखनी चाहिए। बाद मुझे कहते थे कि एक बार जो असल काबिल होम्योपैथ हैं, उन्होंने लिखा है कि हम एक मरीज़ पर 3-3 घंटे भी लगाते हैं। फिर आपने क्या शुरू किया कि सही वो निपटाए जाते हैं? उसने मैंने कहा कि मैंने एक एक मरीज़ पर महीना भी लगाया हुआ है, लेकिन अब वो एक तभी महारत दिल के अंदर पैदा हो जाती है इंसान के अंदर, तो देखते हैं पहचान जाते हैं कि फलां मरीज़ है। ये इस तरह हासिल होती है। इसलिए आपको इन लेक्चर्स के बावजूद किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए और बार बार पढ़नी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये लेक्चर भी हम इंशाल्लाह बार बार सुनवाएंगे। जिनके पास वीडियोज़ हैं वो उसको वीडियो रिकॉर्ड कर लें, और एक दफ़ा सुनने की बात नहीं है, ये बारहा सुनने पड़ेंगे, और इनको हम रिपीट भी करेंगे ताकि जो लोग पहले शामिल नहीं हो सके वो शुरू से ही उनको सुन सकें। वक्त मुकर्र करके ऐलान आप याद कर लें, उनको करवा देंगे। तो इसलिए होम्योपैथिक में ज़हन नशीन करना बार बार पढ़ कर ये ज़रूरी है। मैं बात कर रहा था शौकी की कि उसका डायरेक्ट तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने जब किताब पढ़ी एक और मरीज़ की खातिर जिसको कैंसर था और वो भी अल्लाह के फजल से ठीक हो गया,
उसके कैंसर की जो दवा थी, अचानक मैंने देखा कि शौकी की जो इन्फेक्शन की अलामतें उससे मिलती हैं, और मैंने वो दवा दी और फिर कभी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ी। शुरू में एक दो खुराकों से ही अल्लाह के फज़ल से ठीक हो जाती थी, और उसके बाद फिर जब तक मैं होता था कभी एंटीबायोटिक ज़रूरत नहीं। मेरी अदम मौजूदगी में बीबी बुलवा लेती थी डॉक्टर को, अलग मसला है, लेकिन मुझे नहीं ज़रूरत पेश आई। हर दफ़ा वो दवा ज़रूर काम करती थी। तो हर मरीज़ की एक अपनी दवा है, क्योंकि बीमारियों की किस्में देखने में चंद होंगी लेकिन उनकी वजूहात बेशुमार हैं। और हर इन्फेक्शन जो गले, इसको गले की इन्फेक्शन होती थी, हर गले की इन्फेक्शन एक या दो या चंद दवाओं से ठीक नहीं हो सकती, उसके लिए मिजाज शनासी ज़रूरी है। इसलिए होम्योपैथिक खुद बड़ी सरदर्दी है। सरदर्द दूर करने की बेहतरीन बेहतरीन तरीका, लेकिन सरदर्दी अपनी ज़ात में। लेकिन आस्ता आस्ता इंशाल्लाह मैं, मेरा तरीक़ यह है कि कुछ आपको चुटकले भी दूंगा ताकि ईमान मुयस्सर आता रहे। अगर आपको बकायदा उसूल पर अभी से होम्योपैथ बनाना शुरू करूं तो अक्सर शॉट आपके मिस जाएंगे और कोई भी यकीन नहीं रहेगा होम्योपैथिक पर। तो मैंने तो चूँकि ज़िद करके इस बात को छोड़ा नहीं, मैं जो भी है एक दफ़ा ज़ोर लगा के देखूँ तो सही, वो अल्लाह ने फजल किया। मगर हर आदमी में हिम्मत नहीं होती, ना अचानक बीमारियों के वक्त ये सब्र होता है कि इंसान ये कर सके। इसलिए चुटकले मैं आपको ज़रूर दूंगा, मगर इस शर्त के साथ कि चुटकले कभी काम देते हैं कभी नहीं देते हैं। और असल तरीक़ा यही है कि इंसान बीमारियों की के मिजाज को समझ कर, दवाओं के मिजाज को समझे। जहाँ वो मरीज़ किसी दवा के मिजाज के मुशाबे होगा वहाँ ये दवा ज़रूर असर दिखाएगी। अब मैं एकोनाइट का आपको बता रहा था। एकोनाइट में भी एकोनाइट में एक बात है जो गालबन मैंने पहले बयान नहीं की, मुझे इसलिए ख्याल आया दोबारा उसका जिक्र छेड़ने का, कि एकोनाइट में ब्लीडिंग होती है और एक्टिव ब्लीडिंग होती है, और एकोनाइट की ब्लीडिंग सुर्ख होती है, जिसका मतलब यह है कि इसका आर्टरीज से ताल्लुक है, वेन से नहीं है। वीनस ब्लीडिंग एकोनाइट की नहीं है। ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है समझना कि बाज़ दफ़ा जब हम कहते हैं ये वो है हाद है, मुजमिन तो है ना क्रॉनिक, और एक्यूट को हाद कहते हैं। हाद कहते हैं तेज चीज़ को, आया काटा या काट दिया या ख़त्म हो गई वापस चली गई लेकिन नुकसान ना पहुंचा। तो एकोनाइट का ताल्लुक सुर्ख खून से है। सुर्ख खून वेन से नहीं निकला करता, वेन्स में गहरे नीले रंग का या स्याही माइल खून होता है, जो गंदा खून है जो वापस जाता है फेफड़ों में और साफ होकर जिगर में भी जाता है, फेफड़ों में जाता है ना, और सांस की सांस से जो ऑक्सीजन मिलती है उससे वो साफ हो जाता है और फिर दोबारा ब्लड हार्ट का दूसरा हिस्सा उसको खून में फिर पंप कर देता है। तो इसका मतलब है आर्जी तौर पर जो अचानक खून निकलता है एकोनाइट की बीमारियों में, वो आर्टरीज का खून है और वो चूँकि इसमें जोश पाया जाता है इसलिए वो तेज़ी से निकलता है। और खौफ से इसका ताल्लुक है, इसलिए कोई बईद नहीं कि अचानक किसी सदमे या खौफ से ब्लड प्रेशर हाई हुआ हो और कोई रग फट गई हो, और वो रग इस ऐसे खौफ जो हैं उनका ताल्लुक आर्टरीज से, यानी ताज़ा खून की शरियानों से है, गंदे खून की शरियानों से नहीं है। उसका ताल्लुक सल्फर से है। इसलिए जब हम कहते हैं फलां क्रॉनिक है तो गौर करें गहरा तो पता लगता है कोई आपस में कोई रिलेशनशिप है। एकोनाइट जिगर की बीमारी नहीं, दवा नहीं है। एकोनाइट खून के सतह पर असरात पैदा करने वाली बीमारियों से ताल्लुक रखती है। जिगर और गहरी बीमारियों से और लंग्स की गहरी बीमारियों से सल्फर का ताल्लुक है। बस वो ब्लीडिंग खा वो पाइल्स की हो या और किसी नौयत की हो जिसमें रंग गहरा पाया जाता हो और ऐसी इलामतें हों कि जिगर या लंग्स के अंदर कोई गहरी बीमारी पैदा हो रही है,
वहाँ एकोनाइट के बाद सल्फर काम आएगा, लेकिन बाज़ दफ़ा ब्लीडिंग का ताल्लुक इन्फेक्शन से होता है। वक्ती तौर पर कोई जरासीम ने हमला किया है, इन्फेक्शन हुई और ब्लीडिंग शुरू हो गई है, वो अगर सुरख हो तो उसका ताल्लुक एकोनाइट से ज़्यादा है। अगर दूसरे रंग की है या पैसिव है, एक्टिव और पैसिव में फ़र्क ये है कि एक्टिव में धड़कते हुए खून, दिल के साथ भरपूर खून निकलता है बाहर, यानी उसकी आर्टरीज के साथ चूँकि ताल्लुक है, वो दिल जिस तरह धड़कता है जोर के साथ उस तरह उबल उबल के खून बाहर निकलता है। और पैसिव ब्लीडिंग कहते हैं जो रिसता है आहिस्ता आहिस्ता, रिसने वाले खून का हार्ट बीमारियों से ताल्लुक नहीं है, या सब एक्यूट से है या क्रॉनिक से है। और ये रिसने वाला खून बताता है कि ये ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत धड़क धड़क कर निकलने वाले खून से, क्योंकि जो खून उबल उबल के निकलता है या तो वो जानलेवा होगा या फिर छोड़ देगा, कोई मुस्तकिल बीमारी और सिरदर्दी पीछे नहीं छोड़ता। लेकिन जो खून रिस के निकलता है, इसने ये बताता है कि झिल्लियों में नक्स पैदा हो गया है। बाज़ बीमारियों ने वो जो खुदा तआला ने खुद ब खुद खून को रोकने के निज़ाम बनाए हैं उनमें खला पैदा कर दिए हैं, सुराख कर दिए हैं, और झिल्लियाँ या और ऐसी चीज़ें, मसलन नेफ्राइटिस में जो खून गुर्दे से निकलता है वो चाहे कितना थोड़ा हो डॉक्टर उसको बड़ा संजीदगी से लेते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो जानलेवा साबित हो जाता है, उसका इलाज इनके पास कोई नहीं। जिसका मतलब यह है कि झिल्लियों में जो खुदा तआला ने बेशुमार सेल पैदा किए हुए हैं जो पेशाब को और गंदे मादों को निकालते हैं और खून को रोक लेते हैं, उनमें सुराख हो गए हैं। और बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जो गंदे मादों को रोक देती हैं और खून को निकालने लग जाती हैं। बाज़ हैं कि गंदे मादे भी निकालती हैं। वक्त हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, वक्त वक्त के तो हो गया, इसलिए मैं यहीं बात ख़त्म कर देता हूँ। ये मज़मून ऐसा दिलचस्प है कि इसको अगर मैं दिलचस्पी के साथ ही बयान करूँ तो अच्छा है, वरना अगर आम तौर पर किताबों में जो अलामतें वगैरह हैं ये बयान करनी शुरू कर दी फौरी तौर पर, तो जिस तरह एक दो को अभी भी नींद आने लगी थी उस तरह मुझे डर है सबको नींद आ जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि वक्त दिया जाए, आराम से, कोई हर्ज नहीं, जितना चले चले। तो एकोनाइट का ताल्लुक हार्ट बीमारियों से है जिसमें धड़कता वो खून निकलता है, और ऐसे मौके पर अमूमन एकोनाइट फौरी असर दिखाता है। एकोनाइट अगर असर ना दिखाए तो सुरख खून के निकलने के वक्त दो और दवाएं हैं जो फौरन जहन में आनी चाहिए, और भी हैं, मसलन मिलीफोलियम है, वो सुरख खून के निकलने से गहरा ताल्लुक रखती है। और इसमें भी वजह यह होती है कि खून का एक तरफ दबाव होता है, इसलिए मिलीफोलियम की बीमारियां अजीब किस्म की बज़ाहिर एक दूसरे से बेताल्लुक हैं। एक मरीज़ मेरे पास बच्चा आया कि जब वो पढ़ता सिरदर्द शुरू हो जाती है तो उसमें आँखों के ऊपर खून का दबाव पड़ता है, और वहाँ को उसकी रगों की कमज़ोरी थी जिसकी वजह से वो या ब्लीडिंग या तनाव इतना हो जाता था कि वो उसको सर्दी हो जाती थी। और उसकी वालदा ने मुझे बताया कि जितने डॉक्टर माहिर हैं सबको दिखा चुकी हूँ, ये बीमारी ठीक नहीं होती। अब मुझे मिलीफोलियम का ख्याल आया क्योंकि ये इस किस्म की बीमारी पैदा कर सकता है, और चंद मिलीफोलियम की खुराकों से बच्चा ठीक हो गया अलग फल से, मुस्तकिल उसके बाद वो बीमारी जाती रही। लेकिन यहाँ फिर मैं याद दिलाऊँ कि पढ़ने से सर दर्द का ताल्लुक महज आसाब से भी है, ज़रूरी नहीं कि खून के दबाव से हो। उसका मुझे खून के दबाव का इसलिए ख्याल आया था, उसने मुझे बताया था कि होम्योपैथी भी देख लिए हैं और एलोपैथी भी देख लिए हैं, तो आम रोज़मर्रा की जो ये अलामतें पाई जाती हैं दूसरी दवाओं में वो मैंने उन पर वक्त ज़ाया नहीं किया। मुझे यकीन था बड़े बड़े काबिल होम्योपैथ हैं, उन्होंने वो दवाएँ पहली सोची होंगी, अगर वो फ़ायदा नहीं दे सकें तो ये बेचारी अब लेके आई है इसको। तो फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ सोचूं जो उनके दिमाग में ना आई हो, तो मिलीफोलियम की तरफ ध्यान गया, अल्लाह के फल से वो ठीक हो गया। और भी कई जगह मैंने देखा है मिलीफोलियम इसमें असर दिखाती है, फास्फोरस का मैंने बता दिया है, और भी दवाएँ हैं बहुत सी।
तो इस तरह आपको रफ्ता रफ्ता मैं दवाओं का भी बताता जाऊंगा, फ़लसफ़ा भी, एहतियातें भी, और जब आप इन मजामीन से मेरे साथ गुजर जाएंगे तो बहुत हद तक मिजाज शनास हो चुके होंगे, लेकिन फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत पेश आएगी, फिर आपको किताबों का मुतालिया बहरहाल करना चाहिए। अब कहते हैं ज़्यादा वक्त हो गया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुदा हाफिज़। ये तो फिर भी रह गया, कल सही इच्छा था।